भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। बता दें कि दोनों टीमों के बीच भारत में पहली बार 2007 में क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट T20 खेला गया था। सीरीज में सिर्फ एक मैच हुआ था और इस मैच में भारत को जीत मिली थी। 15 साल में पहला मौका है जब दोनों टीम 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। पिछली बार 2019 में भारतीय सरजर्मी पर आखिरी बार दोनों टीम्स ने T20 सीरीज खेलने उतरे थे। इस सीरीज में टीम इंडिया को 0-2 से हार मिली थी, यानी कि इस बार टीम इंडिया के पास 3 साल पुराना हिसाब चुकता करने का अच्छा मौका है। भारतीय टीम का ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन जब बात भारतीय सरजर्मी पर टक्कर की आती है तो मामला थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारत में दोनों टीम 8 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें से 4 मैच में टीम इंडिया और 3 में ऑस्ट्रेलिया विजयी रही है। एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला। टीम इंडिया आज होने वाले मुकाबले में 2 बड़े बदलाव कर सकती है। एशिया कप में चोट के कारण टीम से बाहर रहने वाले जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी तय है। वहीं आज के मुकाबले में दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दोनों खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों का ये टेस्ट है। 3 साल पुराना हिसाब चुकता करने उतर सकती है टीम इंडिया और मोहाली में खेला जाएगा ये आज का पहला मुकाबला। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे क्रिकेट एक्सपर्ट केजे सिंह जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है केजे सिंह जी। धन्यवाद, नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगी, 3 साल पुराना हिसाब चुकता करने आज टीम इंडिया उतर सकती है, उनका भारतीय खिलाड़ियों का टेस्ट है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं और कई कुछ बदलाव भी बताए गए हैं? हिसाब तो देखिए किताबों में लिखा होता है जी, और कोई भी जो प्रेजेंट प्लेयर खेल रहा होता है वो ये इस बारे में नहीं सोचता है, और सोचता ये है कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट करूं और टीम को जीत दिलाऊं। और आज जहां तक सवाल है इंडिया की टीम जो खेलने वाली है, वो रोहित तो है कप्तान और राहुल ओपन करने वाले हैं, विराट कोहली, हार्दिक, पंत, स्काई, और यहाँ पे मैं देखता हूँ डीके और हुडा में से कोई एक खेलने वाला है। अगर वो प्रेफर करते हैं एंड में 4 ओवर खेलना के, तो डीके को प्रेफर कर सकते हैं वो। हालांकि हुडा को एशिया कप में इन्होंने ट्राई किया था लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। और फिर एक 2 स्पिनर्स में से अक्षर और अश्विन में से मुझे लगता है एक खेलेगा, और चहल तो मुझे लगता है 100% खेलने वाले, और भूवी और बुमराह की वापसी हुई है तो अनफिट है वो, अब फिट हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ एक बैलेंस साइड बनने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ देखिए अच्छा तकड़ा मुकाबला होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी साइड रहती है हमेशा, पिंच कप्तान है और पैट कमिंस वाइस कप्तान है, तो जोस है, वुड जो बॉलर है बहुत अच्छे, जैम्पा जो है लेग स्पिनर है, कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ के लिए भी आप सोच सकते हैं, हो सकता है वो 11 में खेल पाए नहीं खेल पाए, हालांकि वो 20 में उसको लेके आए। और ग्रीन कैमरून ग्रीन ग्लैम मैक्सवेल और वेड जो मैं समझता हूँ 100% खेलने वाले आज टीम में। केजे सिंह जी, और क्या कुछ बदलाव हो सकता है आज के इस मैच में? देखिए मोहाली में मैच होने वाला है, तो मैं समझता हूँ 3 मीडियम पेसर और 2 स्पिनर्स के साथ इंडिया जा सकती है। एक समय था जब मोहाली का बहुत अच्छा विकेट हुआ करता, ग्रीन टॉप विकेट हुआ करता, तो मीडियम पेसर को ज्यादा फायदा मिलता था, लेकिन अब थोड़ा वो स्पिन होना चालू हो गया है वो विकेट। तो हार्दिक, भूवी और बुमराह 3 आपके मीडियम पेसर है, और अश्विन अक्षर में से एक खेलेगा और चहल खेलेगा, तो इन तीनों में से आपके 2 स्पिनर्स आपके पास खेलने वाले हैं। जी केजे सिंह जी, तमाम जानकारी देने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे क्रिकेट एक्सपर्ट केजे सिंह जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी आज के इस T23 सीरीज मैच।